उमा फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन यूपीटीए द्वारा आयोजित मेगा फ्री प्री हज फिटनेस प्रोग्राम नो आयोजन हालाई मेमर जमात होल चौक बजार सूरत मुकामे करवामां आव्यो हतो, जेमां 400 थी वधु हाजीओए भाग लीधो हतो। हज दरमियान पड़ती शारीरिक तकलीफो अने अड़चणो तथा हाजीओनी कार्यक्षमता वधारवाना हेतु थी अलग अलग स्ट्रेचिंग, आइसोटोमेट्रिक, आइसोटोनिक, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, चालवानी रीत, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एर्गिनोमिक फूटवेर मॉडिफिकेशन, डाइट अने वॉटर मैनेजमेंट जेवी बधाज पासाओने आवरी लई हाजीओने माहितगार कर्या हता। भाईओ माटे अहमदाबाद थी पधारेल डॉक्टर सोहेल कादरी अने डॉक्टर मतीन शेख तथा सूरतना सीनियर डॉक्टर खालिद मंसूरी, डॉक्टर अबरार दावड़ा अने डॉक्टर सोएब शेखे तथा इस्लामी बहनों माटे सूरतना सीनियर डॉक्टर कुलसुम वाहेद कलाम अने डॉक्टर सुमैया शेख अने डॉक्टर जैनब रवाजानी, डॉक्टर सुफिया शेख, डॉक्टर आयशा पटेल, डॉक्टर रुमाना कुरेशी, डॉक्टर आलिया शेख द्वारा करवामां आव्यो हतो। आ प्रोग्राम ने सफल बनावा माटे यूपीटीए नी सूरत टीम अने सूरत मेमण जमात होल कमिटी, लेट यूनिवर्सिटी फोड़ावाला ट्रस्ट अने बीजा सूरत दानवीरोना तमाम जिम्मेदारों अथाग प्रयत्नों करी प्रोग्राम ने सफल बनाव्यो हतो, जेथी जुनेदभाई ओरावाला तथा बीजा महानुभावोनु पण सन्मान करवामां आव्यो हतो। यूपीटीए संलग्न क्लिनिकमां कैम्पथी लई हजमां जाय त्यां सुधी आ प्रोग्राम निःशुल्क रहेशे तेवुं यूपीटीएना प्रेसिडेंट डॉक्टर सोहेल कादरीए एक अखबार यादीमां जणाव्युं हतुं। तो ये जो हज का जो आज का प्रोग्राम था वो फिजियोथेरापी प्रोग्राम बेसिकली फिटनेस प्रोग्राम था जो हज में जो इस बार लोग जाने वाले हैं उनके लिए, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी टाइम ने देखा है जो हज पे लोग जाते हैं वहाँ पे जाके जो पहली पहली बार जो यहाँ से कुछ ट्रेन करके नहीं गए या फिटनेस लेके नहीं, एक्सरसाइज करके नहीं, तो वहाँ पे जाके चलना पहले पहले तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे ही वो चलना स्टार्ट करते हैं या 5-6 किलोमीटर तो उनके पैर में क्रैम्प्स आते हैं, थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी था इसलिए हज के, हम बोलते हैं हज में जाने के पहले हज की तैयारी करो, तो हज में जाने के पहले हज की तैयारी तो हज सीखना भी जरूरी है और ये फिटनेस भी जरूरी था, तो ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। जिन्होंने आज ये अटेंड किया, जिन्होंने अटेंड नहीं भी किया है तो उनके लिए भी वो यूट्यूब चैनल के ऊपर वो प्रोग्राम का पूरा देखा दुखा आने वाला है तो वो देखेंगे तो उनको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर वो पहले से अभी जैसे अभी 1 महीना बाकी है, किसी को 1 महीना बाकी है, किसी को 20 दिन बाकी है, तो अभी से वो ट्रेन करेंगे तो इंशाल्लाह उनको वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं देगी। अभी हम लोग को गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है कि हर फील्ड के डॉक्टर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, खाली फिजियोथेरेपी को लोगों ने बाकात रखा हुआ है, पर फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा रोल है क्योंकि वो मसल्स, नर्व्स और जॉइंट्स के ऊपर काम करता है, जो वही यूज होता है वहाँ पे चलने फिरने में और उनकी एनर्जी के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि हमारे फिजियोज को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करें, उसके बाद देखें जिद्दा गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट कि कैसे इसके थ्रू आप आपके हाजियों को कैसे अच्छे से अरकान पूरे करवा सकते। ये सूरत हलाई मेमन जमात हॉल चौक बाजार वहाँ पे ये इवेंट हो रहा है और इसके अंदर एक स्पॉन्सर है पोरावाला ट्रस्ट और एक अपने हैं भाई, एक भाई है जिन्होंने अपना नाम डिक्लेयर करने को मना किया है, ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हमको मिले हैं। हाजी ऑलमोस्ट आज हाजी ऑलमोस्ट 150 के अबाव है हमारे पास और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन का काउंटिंग अभी करा नहीं है। मैं डॉक्टर कुलसुम, केयर फिजियोथेरेपी और 15 साल से फिजियोथेरेपी क्लिनिक चला रही हूँ न्यूरानदे रोड के ऊपर। अभी ये जो इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं हर हाजियों के फिटनेस के रिलेटेड है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो चलने में जो उनको प्रॉब्लम आती है, जो उनको दिक्कतें आती है खाने की वजह से, पानी की वजह से, उसके रिलेटेड आज ये इवेंट होने जा रहा है और सूरत में पहली बार हो रहा है। और सेकेंड थिंग के ये जो इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट ईयर भी हमको ये करने का मौका मिले और इसके अंदर हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने ये हमारे को हेल्प किया है, राइट, और इसकी वजह से आज ये इवेंट सक्सेस हुआ है सूरत के। उन लोग को अगर ये हाजी लोग जो आ नहीं सके, इंशाल्लाह हम लोग 1 या 2 दिन के अंदर लिंक शेयर करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, जिसके थ्रू उनके तक वो लिंक पहुँचेगी। वो हमारे जितने भी रजिस्टर्ड क्लिनिक है 9 या 10 क्लिनिक है सूरत के अंदर, वहाँ पे पास के क्लिनिक में कॉन्टेक्ट करें और वहाँ जाके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। और ये इवेंट के बाद हम लोग जितने भी हाजी है जिनको प्रॉब्लम्स है कमर का घुटन का, उनको भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एक तो फिजियोथेरेपी करने जा रहे हैं और एक सुजोक एक्यूप्रेशन कोरियन थेरेपी कराने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी इन सुजोक के थ्रू वो लोग कैसे अपने आप को इमरजेंसी से वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी ऑलमोस्ट हम लोग 15 हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं यहाँ पे
जो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल कादरी है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एमपीडी कार्डियो एंड पीएचडी स्कॉलर, और मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं एक फिजियोथेरेपी का एक एसोसिएशन चलाता हूँ। आज ये प्रोग्राम है हमारा जो उम्मा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है, जो हमारा एक फिजियोथेरेपी का एसोसिएशन है गुजरात लेवल का, और अब इंशाल्लाह हम लोग गुजरात से बाहर भी जा रहे हैं। तो हमने ये प्रोग्राम रखा है हाजियों की फिटनेस को लेके, कि जब हज में जाते हैं तो वहाँ पे जो चलने की दिक्कतें और जो काम है उसमें फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है, तो वो हम सिखाने की कोशिश करते हैं, हाजियों को वहाँ से ट्रेन करते हैं तो वो वहाँ पे आगे उनको काम आए। प्री हज फिटनेस का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही है कि हम इसमें वहाँ पे बेसिकली चार चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे हमारा वॉकिंग है तो उसको हम एक्सरसाइज से कवर करते हैं, दूसरा है फुटवेयर है जो हम मॉडिफिकेशन बताते हैं, और दूसरा है डाइट और न्यूट्रिशन, तो डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बताओ, और वाटर मैनेजमेंट, और एक हमारी ब्रांच है अर्गोनॉमिक्स, फिजियोथेरेपी की एक ब्रांच है जिसमें हम उसको बता दें कि उनको कैसे अपने आपके हर जॉइंट को, जैसे कमर को, गर्दन को कैरी करना है जिसके उनको ऊपर लोड नहीं आए, तो वो चीज़ों का हम बताते हैं जिससे उनको बार बार रीअपियरेंस नहीं हो कि उनको बैक पेन के लिए दवाई लेनी पड़े या डॉक्टर को दिखाने जाना पड़े, और अपनी इबादत और जो अरकान है वो अरकान में कोई तकलीफ ना पड़े। ये संस्था बेसिकली प्योरली फिजियोथेरेपिस्ट की है, और इसमें फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स और फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं, इसमें भी मजीद 500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और अक्रॉस गुजरात के हैं, मेजोरिटी मेंबर्स अहमदाबाद के थे पर अलहमदिल्ला हर इलाके में इसके बढ़ रहे, और हम अलग अलग सतह पे फिजियोथेरेपी को अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए और कम्युनिटी में फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस कैसे आए अलग अलग तरीके से, जैसे ये हज का मौका, इस तरह क्रिकेट टूर्नामेंट्स होती है, मेडिकल कैंप्स होते हैं, प्री मेडिकल फिजियोथेरेपी का डे होता है हमारे 9 सितंबर को, जब अलग अलग जो हमारी स्पेशलिटी है ऑर्थो, कार्डियो, न्यूरोपीडिया, गायनेक, रिहैब, स्पोर्ट्स, वो सब चीज़ों को अलग अलग फर्टिलाइज करके उसके अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला के पब्लिक तक वो चीज़ पहुँचाते कि भाई इस नॉट लाइक एक चीज़ नहीं है, सब अलग अलग चीज़ है और सबके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। का आइडिया हमें इसलिए आया कि हमारे जब पेशेंट्स को जाते थे तो वो लोग इसलिए हज का फॉर्म या उमरा का लिए नहीं जा पाते थे कि भाई हमको वहाँ चलने में दिक्कत है, और हम वहाँ जाकर भी किसी को परेशानी दे या किसी के ऊपर बोझ बने या किसी के ऊपर हमको सहारा लेना पड़े, तो इसीलिए वो लोग हज का या उमरा का फॉर्म नहीं भर रहे। फिर उन्होंने कुछ हमारे यहाँ आके एक्सरसाइज की 3-4 महीना, और उनको अब कॉन्फिडेंस आ गया खुद को कि नहीं अब मैं हज में जा सकता हूँ, उमरा में जा सकता हूँ, तो वो आइडिया से फिर हमने इसको सोचा और ब्रेन थॉम्बिंग करके इसको धीमे धीमे लास्ट ईयर से हमने शुरू किया। लास्ट ईयर हम 13 जगह किया था अहमदाबाद के अलावा 5 डिस्ट्रिक्ट में, और इस साल भी इंशाल्लाह हमारा टारगेट है हम 31 जगह करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, LK स्टार न्यूज़, सूरत।